हेलो गाइस, फिर से आप सभी के लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग हाइपर ओएस थीम लेकर आ चुका हूं। खास करके उन सभी दोस्तों के लिए जिनके फोन में अभी हाइपर ओएस रन हो रहा है। अगर आप इन सभी थीम्स को आपके रेडमी फोन में अप्लाई करोगे तो आपका फोन का होम स्क्रीन, सेटिंग्स एंड लॉक स्क्रीन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आपको यूज करने में मजा आएगा। और लास्ट वाला थीम तो सबसे तगड़ा है, उसमें एक खास फीचर भी छुपा हुआ है जो आपको वीडियो लास्ट तक देख के ही पता चलेगा। तो बिना देरी किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, इस वीडियो को शुरू करते हैं एक मस्त थीम से, और इस थीम के अंदर एक सीक्रेट फीचर छुपा हुआ है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले देखो यहाँ पर होम स्क्रीन, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है, ये वाला वॉलपेपर मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वॉलपेपर था वो इतना कुछ खास नहीं था। और इस वॉलपेपर का लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आइकन्स के डिज़ाइन देखो, आइकन्स बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट आइकन दिखाई देंगे जो मुझे काफ़ी अच्छा फ्रेश आइकन्स मुझे लगा इस थीम का। और सबसे तगड़ा चीज़ दिखाता हूँ, इस थीम का सेटिंग्स, इस थीम के सेटिंग्स पूरी तरह से मॉडिफाई हो चुका है। बैकग्राउंड में आपको एक ग्रीन वॉलपेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइकन्स के स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल देख सकते हो कितना अच्छा लगता है। व्हाइट फॉन्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स। और ये है इस थीम का अवार्ड फोन। सो हाइपर ओएस के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेटिंग्स देखने को मिलता है जो आप देख सकते हो। और दिखाता हूँ इस थीम का सीक्रेट फीचर, वो है लॉक स्क्रीन को ऊपर। यहाँ पर लॉक स्क्रीन देख सकते हो कितना अच्छा एक फ्रेश लॉक स्क्रीन है। अगर आपको वुजिट स्टाइल चेंज करना है तो इस तरह से स्लाइड करके आप वुजिट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। और थोड़ा बहुत आपको एनिमेशन भी देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि अगर आपको बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है वो अच्छा नहीं लगा है, यहाँ पर जो आप डॉट्स देख पा रहे हो, ये डॉट्स को आप टच करोगे तो अलग अलग वॉलपेपर्स भी चेंज कर सकते हो। यस, यही चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इस थीम का। सो अगर आपको एक बहुत ही अच्छा नेचर वाला थीम ट्राई करना है हाइपर ओएस में, तो ये थीम ट्राई कर सकते हो। इस थीम का नाम है मिस्टी फॉरेस्ट, जो आप थीम स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। नाम ठीक से सर्च करना, वरना डाउनलोड करने में आपको दिक्कत होगा। इस वीडियो का सेकंड थीम भी दोस्तों काफ़ी तगड़ा है। इस थीम के अंदर एक खास फीचर छुपा हुआ है जो मैं आपको आगे जाके ही बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो होम स्क्रीन कितना अच्छा है, बैकग्राउंड में एक लाइव वॉल पर भी देखने को मिलता है, और एक ट्रेन भी चल रहा है वॉल पर में, आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है। फिर भी अगर आपको कुछ अच्छा वॉल प्लस ट्राई करना है तो मैं कुछ वॉल प्लस का लिंक दे दूंगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। मेरा चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर आइकन्स के स्टाइल देखो, बिल्कुल फंकी स्टाइल के आइकन्स दिखाई देते हैं यहाँ पर इस थीम में। ये है इस थीम का सेटिंग्स, सेटिंग्स भी दोस्तों काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्रेश सेटिंग्स। अगर आप नजर डालोगे तो बैकग्राउंड में एक वॉलपेपर भी दिखाई देता है, कुछ ऐसा आप देख सकते हो। बात करते हैं सबसे यूनिक चीज, वो है इस थीम का लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन में आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिलेगा, वही वाला लाइव वॉलपेपर जो कि होम स्क्रीन में था। बट अगर ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो तो आपको देखने को मिलेगा काफी सारे विजेट्स जो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो अलग अलग एप्स को। और हाँ, अगर आपको बैकग्राउंड में लाइव वॉलपेपर चेंज करना है तो यहाँ पर इस वॉलपेपर ऑप्शन पर टच करो, आप बैकग्राउंड का जो लाइव वॉलपेपर है उसको भी चेंज कर पाओगे। ये चीज़ मुझे काफ़ी तगड़ा लगा। सो अगर आपको एक डायनेमिक लॉक स्क्रीन चाहिए, फ्रेश होम स्क्रीन चाहिए, तो ये थीम ट्राई कर सकते हो। इस थीम का नाम है मेमोरीज फ्रॉम अफार। नाम ठीक से देखो और ठीक से सर्च भी करना, वरना आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। गाइस, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए, क्योंकि ऐसा ही थीम आप सभी के लिए लाते रहता हूँ इस चैनल पर। तो फट से बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ। ओके गाइस, अभी बात करते हैं इस वीडियो का एक ऑसम थीम के बारे में, जो लोग वीडियो एंड तक देखा है उनके लिए। पहले देखो इस थीम का होम स्क्रीन कितना मस्त, यहाँ पर आपको एक होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। ऊपर जो विजेट देख पा रहे हो उसमें एक उड़ता हुआ ड्रैगन भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस थीम का होम स्क्रीन काफ़ी यूनिक लगता है। यहाँ पर आइकन्स का डिज़ाइन भी देख सकते हो, बिल्कुल वाइब्रेंट कलर में आपको आइकन्स दिखाई देंगे। ऐसे आइकन्स में हर एक वॉल पर काफ़ी खास लगता है। देख सकते हो ये है इस थीम का सेटिंग्स, बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर आईओएस स्टाइल सेटिंग्स देखने को मिलता है। आईओएस से याद आया, अगर आप बेस्ट आईओएस स्टाइल थीम ट्राई करना चाहते हो आपकी रेडमी फ़ोन में, तो ऊपर आई बटन देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करके आप और भी कुछ खास आईओएस स्टाइल थीम्स को ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखना वो वाला वीडियो भी। दिखाता हूँ इस थीम का सीक्रेट फीचर, वो है लॉक स्क्रीन को ऊपर। इस थीम की लॉक स्क्रीन में एक उड़ता हुआ ड्रैगन भी दिखाई देता है। और सबसे मजे की बात है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायनामिक आइलैंड, और इस डायनामिक आइलैंड को आप जो है ना पूरा मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे दिखाता हूँ, नीचे जैसे यहाँ पर डबल टैप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला ऑप्शन, नॉच ऑप्शन, इसको टच करोगे अलग अलग तो अलग अलग यहाँ पर डायनामिक आइलैंड भी चेंज होता है। जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे वो स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपको तगड़ा वॉलपेपर ट्राई करना है, वो भी ड्रैगन वाले, तो यहाँ पर ड्रैगन वाले वॉलपेपर भी देखने को मिलेंगे, जो देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई देते हैं। और भी यूनिक वॉलपेपर भी आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो।
ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आपको विजिट स्टाइल मॉडिफाई करना है, RGB करना है, तो RGB का ऑप्शन मिलता है, आप कलर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, यहाँ पर क्लॉक क्रिस्टल को मॉडिफाई कर पाओगे। तो हाँ यार, पूरा मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है इस थीम की लॉक स्क्रीन में, जो आपको ट्राई करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई भी आपको ऐसा कुछ हाइपर ओएस थीम देखने को मिलेगा थीम स्टोर में। सो इस थीम का नाम है IZ54, नाम ठीक से सर्च करो वरना आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे थीम स्टोर में। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आता है तुरंत कमेंट करो, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आई होप ये थीम भी आपको अच्छा लगा होगा। यही थे गाइस कुछ बेस्ट हाइपर ओएस थीम जो आप ट्राई कर सकते हो आपके रेडमी फोन में या फिर पोको फोन में। इनमें से कौन सा थीम आपको ज़्यादा खास लगा है कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कुछ यूनिक और तगड़ा थीम ट्राई करना है तो लेफ्ट साइड ब्रिज पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको हाइपर ओएस का पूरा फुल प्लेस देखना है तो राइट साइड ब्रिज पे क्लिक कर सकते हो। आपसे के लिए बहुत सारा वीडियो बनाया है इस चैनल पर।